को अंदाजा लगाइए कितने सेंट्रल बैंक से कितने रिसाल किए गए हैं। हमने 30 नोटिस भेजे और व्यक्तिगत रूप से भी लोगों से मिले हैं जाकर के। हमने प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा वसूली हो हमारी, और अभी दो लोग आने की है, अभी बोले हैं फोन पर बात हुई है हमारी, हमारा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा वसूली। अभी तक 30 नोटिसों में से दो ही कोई लोग आए हैं, अभी क्या लगता है आपको? देखो दो हमारे सेंट्रल हो जाएंगे ऐसा लगता है। देखिए लगभग 26,000 से अधिक मुकदमों का लक्ष्य हमारा है जो हमने फिक्स किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर 100% नहीं तो कम से कम 80% मुकदमे हम लोग निपटा ले जाएंगे। और इसमें न केवल हमारे दीवानी न्यायालय मुकदमे बल्कि राजस्व न्यायालय के भी हैं, इसमें ट्रेड टैक्स के भी हैं, इसमें चकबंदी के भी हैं, इसमें श्रम विभाग के भी हैं, तो हर प्रकार के वो मुकदमे जिनका के निस्तारण लोक अदालत में कर सकते हैं जो विधि विधान के अनुसार है उनको लगाया गया है, और हर अधिकारी प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक वो परिणाम दे सके। अब तक सब तरीके लोक अदालत कितना लक्ष्य रखा गया है? लोक अदालत तो राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसमें सभी तरह के मुकदमे जो सुलह समझौते के आधार पर न्यायालय से बाहर या न्यायालय के थ्रू जो भी किए जा सकते हैं वही है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो है मानक स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक 3 माह में ये राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है, उसी प्रकार ये आज आयोजित की गई है, और पूर्व से इसमें 26,670 मुकदमे हमने प्री ट्रायल में लगाए थे, और अभी लगातार इस पर कार्य जारी, जैसे मेरे ओर से ही 17 मुकदमे अभी तक डिसाइड हुए हैं और अभी चल रहे हैं। तो इसमें वैवाहिक संबंधों से विवादित वाद हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम हैं, बैंक रिकवरी के वाद हैं, बिजली से संबंधित जो शमन शुल्क जारी कर दिया गया है वो हैं, और CGM की कोर्ट में बांट माप के हैं, और तरह तरह के चालान हैं, सभी प्रकार के जो लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं वो सब लिए जा रहे हैं। सर सबसे ज़्यादा बात किस तरीके की देखने को मिलती है? ज़्यादातर बात वो हैं जो बिला वजह जो है न्यायालय में सालों साल से चल रहे हैं, पेटी ऑफेंस हैं या छोटी मोटी वसूली के बाद हैं, और हमारा यही उद्देश्य रहता है। हालांकि इस विषय में अभी मैं और एक ऑर्डर वगैरह जारी करूंगा कि साक्षरता शिविर और ज़्यादा लगाए जाएं, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। भाई ये सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें कोर्ट फीस भी आपकी वापस हो जाती है अगर न्यायालय की मोहर लग के लोक अदालत के द्वारा होता है, और समय की भी बचत है। कुछ लोग अज्ञानतावश अपने मामले को नहीं निस्तारित करा पाते हैं, तो ये मैं खुद अब अगली लोक अदालत तक इसको सुनिश्चित करूँगा। हमारे नोडल अफसर हैं नोटियाल साहब, और बहुत कामयाब और अच्छे काबिल अफसर हैं, मैं इनको लगाऊँगा इस काम के लिए, और अभी चल रहा है प्रोसेस, देखिए 4 बजे तक, और बहुत अच्छी संभावना है, काफ़ी संख्या में अदालत ये जो है। सर अभी तक कितने बार निस्तारण हो चुके हैं? अभी तक तो देखिए करीब 12 बजे से प्रोसेस शुरू हुआ है, क्योंकि काफ़ी ऑफिशियल्स बाहर से आए हुए थे, उन लोगों से विचार विमर्श करके शुरू किया है, और लोग भी बड़ी संख्या में आए हैं, तो ये फिगर इकट्ठा हम 4 बजे करीब दे पाएंगे। लेकिन अभी तक करीब करीब ये कितने मुकदमे हो गए हैं फिगर जो आई है? लिटिल मिलेनियम देश में सबसे तेजी से बढ़ते प्री स्कूल चयन में से एक है। यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक बच्चे को विभिन्न खेल विभिन्न गतिविधियों के द्वारा सामूहिक क्रियाकलापक्रम सही नींव रखने का कार्य किया जाता है। विशेष प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, इस उद्देश्य से ये स्कूल बच्चों को खुश सामाजिक और आत्मविश्वास से भरपूर बनाने में मदद करता है। बच्चों के प्रतिदिन पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न एक्टिविटी भी करवाई जाती हैं। यहाँ का पाठ्यक्रम 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, जिससे बच्चों का समग्र विकास हो। निदेशक अंजलि सिंघल, लिटिल मिलेनियम प्री स्कूल। हमारा पता स्टेशन रोड फिरोजाबाद।